नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। वीडियो में बात कर रहे हैं ट्राइडर लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी गिरावट हमें पिछले एक महीने में देखने को मिली है इस शेयर में। आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इस तेजी के पीछे क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है इसके पीछे क्या वजह है उसके बारे में भी बताएंगे, और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पिछले 5 दिनों की। अगर आप देखें तो 6.48% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। 1 मंथ की बात करें तो 13-14% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने बना कर दिया है। 6 मंथ में अच्छे खासे रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें केवल 2022 की, तो 2022 में इस शेयर ने अपने सभी निवेशकों को लॉस ही बना कर दिया। अगर आप देखेंगे कि 2.51% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, 1 साल में अभी भी ये शेयर अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि 1 साल पहले शेयर का प्राइस देख सकते हैं 13-14 रुपीस के ऊपर ट्रेंड कर रहा था, और अभी 52 रुपीस के लेवल पर ये शेयर ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें 5 साल की, तो 5 सालों में भी हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और आपका विजन, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो एक भी शेयर बेचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और रही बात अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो इस गिरावट में आपको और ज़्यादा बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि तेजी आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें गिरावट की, तो देखिए अगर आज आप सेंसेक्स देखेंगे तो आज के दिन सेंसेक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। 0.33% सेंसेक्स हाई है, ग्रीन सिग्नल देखने को मिलता है। वहीं बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, और इसी वजह से शेयर में भी हमें अच्छा खासा आज के दिन मूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 के वीक होने की वजह से ही शेयर में इतनी बड़ी करेक्शन, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर बात करें एनएससी पर, तो आप देख सकते हैं आज के दिन बाय की क्वांटिटी 9,40,356 है, और वहीं अगर सेल क्वांटिटी की बात करें तो 10,38,916 शेयर यहां पर सेल क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहां पर केवल और केवल होल्ड करना है, और चाहें तो और ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस शेयर का जो टारगेट है वो 100 रुपीज़, जो कि बहुत जल्द ये शेयर अचीव करता हुआ नजर आएगा। और अगर गिरावट की बात करें तो गिरावट किस लेवल तक हो सकती है दोस्तों, 48 रुपीज़ का यहाँ पर हम एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बड़ी गिरावट होती है तो 48 रुपीज़ तक जाएगा, उसके बाद शेयर में आपको बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सेल करने की गलती नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो बने रहिएगा। ये शेयर आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर अच्छे खासे रिटर्न देकर जाने वाला है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।